ठीक है। तो हमने इसके वीडियो फर्स्ट वीडियो में क्या था, फिर से सेकंड वीडियो बना है, इसमें उसके के आगे कंटिन्यू करते हैं कि बाद में बोलता है हाँ हाँ देखने जाओ। बूढ़ा भगत को तो वैसे भी बहुत ही तकलीफ में था, यानी क्योंकि उस डॉक्टर ने उसके बेटे को देखने से मना कर दिया था, तो वो क्या कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, डॉक्टर सेड्डा खूब जानता हूँ क्यों, क्योंकि उसके बेटे को उसने नहीं बचाया था। मुन्ना को उसी, वो सोचता है, उस आदमी से कहता है कि मुन्ना को उसी के पास ले गया था, खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान सब कुछ देखता है, उस मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, अब खेलने के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ने को देखा तक नहीं, यानी उसके मन में जो पुरानी बातें थी वापस भर जाती है। चौकीदार, कहाँ चले भाई? बूढ़ा भगत, जाऊँगा कहाँ, देख रहा था कि रात कितनी हुई, यानी अब बूढ़ा भगत अपने रूम में बैठा रहा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका मन उस डॉक्टर चड्डे के बेटे पर टिका हुआ था। तो बाहर निकलता तो चौकीदार पूछता कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलता कह नहीं जा रहा, मैं बस बाहर निकल के देख रहा हूँ कि अभी रात कितनी हुई है। चौकीदार, डॉक्टर चड्डा के बेटे का हाल तो तुमने सुना होगा, क्यों नहीं चले जाते, यानी बोलता है कि तुमने सबको तो न्यूज़ मिल गया होगा कि डॉक्टर चड्डे के बेटे को सांप काट लिया है, उसे कितने वैद्य हकीम देखे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम वहाँ पे चले जाते, तुम्हें 10,000 से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बूढ़ा भगत, मैं तो नहीं जाऊँगा, चाहे वह 10,00,000 भी दे, मुझे लेकर करना क्या है, मैं पैसों का क्या करूँ, कल मर जाऊँगा तो फिर कौन उस पैसे को यूज़ करेगा या कौन भोगेगा। चौकीदार वहाँ से चला जाता है, लेकिन बूढ़े भगत के दिमाग में हलचल मच जाती है। बूढ़े का दिमाग कहता है मत जाओ, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ आती है कि उसे आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। चौथा दृश्य था, इसमें क्या होता है कि डॉक्टर चड्डा के घर की सब बत्तियां जल रही थी, क्यों, क्योंकि उनके बेटे को सांप ने काट लिया था। बहुत ही भीड़ मची, हड़कंप मची हुई थी, बहुत से वैद्य हकीम आए हुए थे, रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर चड्डा, कौन है भाई, आज हम बहुत मुसीबत में आए हैं, शायद एक महीने तक किसी मरीज को ना देख सकूँगा, यानी बूढ़ा भगत उसके घर जाता है, आवाज़ लगाता है, तो मरीज मना करता है कि आज उसके घर में बहुत ही दुर्घटना हो गई है, जिसके कारण वो किसी मरीज को नहीं देख सकेगा। बूढ़ा भगत आपकी मुसीबत सुन चुका है, बताता है कि ठीक है भैया, मैं जानता हूँ कि आपके घर में कौन सी घटना घटी है, लेकिन भगवान बड़ा ही कारसाज है, कौन जाने कब उसे दे आते, यानी भगवान पे बोलता है कि भगवान की कृपा बनी रहेगी, इंतज़ार करो। डॉक्टर चड्डा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देख कर जा चुके हैं, कि तुम भी ट्राई मार लो, बोलता है। तो बूढ़ा भगत बोलता है, अभी देर जाता है, देखता है, बोलता देर नहीं हुई है, नारायण चाहे तो आधे घंटे में उनका बेटा ठीक हो जाएगा। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़कर कैलाश को जड़ी बूटी सुंघाता है, कहार कैलाश पर पानी डालते जाते हैं, आखिरी उषा लाल लाल आंखें खुली, यानी जैसे ही सुबह का भोर होता है, सूरज की ललिमा बिखरती है, वैसे ही कैलाश की आंखें भी खुल जाती है। कैलाश की मां नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ती है। डॉक्टर चड्डा श्रद्धा भाव से भगत का यशगान करते हैं, उसकी प्रशंसा करता है कि तुम्हारे कारण हमारी बेटी की जान बच गई। फिर भगत की कैलाश तलाश होने लगी, जब तक भगत जा चुका था, यानी यशगान करता है तो क्या करता है कि उस भीड़ में भगत धीरे से वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर चड्डा भगत जी कहाँ गए पूछते हैं, तो नौकर बोला कि अभी तो यहीं बैठे थे, चिलम पी रहे थे, क्योंकि पहले के लोगों की आदत होती है चिलम पीने की, यानी हुक्का टाइप होता है, तम्बाकू दिया तो नहीं लिया, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर चिलम भरी और ना जाने कहाँ चले गए, उनका नौकर बताता है। डॉक्टर चड्डा, बूढ़ा भगत ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी ना लिया, यानी अब उसको उसका उपकार याद आता है कि उसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया, उसके बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लिया। नारायणी, मैंने उनकी पत्नी बोलती कि मैंने सोचा था उसे बहुत सारी बड़ी रकम दूंगी, यानी बहुत पैसे दूंगी। डॉक्टर चड्डा बोलते हैं कि रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, यानी अब उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि रात को पहचाने नहीं, पर दिन निकालने पर उसने पहचान लिया था कि एक बार वो एक मरीज को लेकर आया था, जब वो खेलने जा रहे थे, तो वो खेलने जा रहे थे बोल के उसको देखने से इनकार कर दिया, तो उस घटना से आज उनको बहुत ही शर्म महसूस हो रही है, यानी कि किसी भी अगर कोई पेशेंट आता है, बीमार आता है, तो पहले सर पर यही होता है, सबसे उपयुक्त यही होता है कि जो आया है उसकी देखा जाए, उसकी देखभाल की जाए, तो उसे अपने किए हुए कर्मों पे बहुत ही अफसोस होता है, और अफसोस की
कैसे दूर करना चाहता है कि मैं उसे खोसकर पैर पर गिर के अपने लिए अपने किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। उसका जन्म अच्छाइयों के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया कि जो जीवन भर मेरे सामने रहेगा। ठीक है, इस प्रकार डॉक्टर चड्डा के माध्यम से उसके परिवार में चेंज आया और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उससे वो जीवन भर क्षमा याचना करने को तैयार हो गया। थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो फिर से बताएंगे, फिर से रिपीट कर दिया जाएगा।